हेलो स्टूडेंट्स इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द राउल्ट लॉ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थियोरी फॉर बोर्ड. याद रखना बोर्ड की एग्जाम के लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थियोरी राउल्ट लॉ राउल्ट लॉ फॉर लिक्विड सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट हम ऐसे सॉल्यूशन की बात करेंगे जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड हो गए लिक्विड का मतलब वॉलेटाइल प्लस वॉलेटाइल वॉलेटाइल मतलब जिसकी वेपर बनती हो और वेपर लिक्विड की बनती है सॉलिड की जनरली नहीं बनती है सो लिक्विड इज कॉल्ड वॉलेटाइल तो वी आर टॉकिंग अबाउट दि सॉल्यूशन विच कंटेंस लिक्विड सॉल्यूट प्लस लिक्विड सॉल्वेंट मीन्स बोथ दी कंपोनेंट्स आर लिक्विड नाउ यू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन गिवन सिचुएशन ये सिचुएशन आप अच्छे से देख लीजिए ये जो आपको सिचुएशन यहाँ पे दी है थ्री बिकर्स आर गिवन तो इसे आप अच्छे से देख लीजिये सबसे पहले यू आर गिवन बिकर ए मींस इट कंटेंस लिक्विड ए ये बिकर में देखिये लिक्विड ए है दिस बिकर कंटेंस लिक्विड बी एंड दिस बिकर कंटेंस सॉल्यूशन प्रीपेड बाय मिक्सिंग ए एंड बी थर्ड बीकर में ए और बी को हमने मिक्स कर दिया अब देखिए ऑल दी कंपोनेंट्स आर लिक्विड अब देखिए लिक्विड ए वाला जो बिकर है ए वाला मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि किसी भी लिक्विड के ऊपर उसकी खुद की वेपर होती है तो ये जो मैंने रेड कलर से दिखाया है वो ए बीकर के ऊपर ए की ए लिक, लिक्विड की वेपर है और ये जो बी वाला बीकर है उसके ऊपर ये वाला बी का बी वेपर है मतलब सारे जो लिक्विड है वो सबके ऊपर अपना अपना वेपर है मतलब सारे लिक्विड के पास अपना खुद का वेपर है और वो जो वेपर खुद की सरफेस पे प्रेशर लगाएंगी उसे हम बोलेंगे वेपर प्रेशर तो ये जो मैंने लिख के दिया है पी नॉट दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए इस बीकर में ए के अलावा कोई नहीं है नॉट मतलब प्योर कंपोनेंट पी नॉट बी मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी मतलब जब बी अकेला है तब का वेपर प्रेशर कितना है दैट इज कोल्ड पी नॉट बी इसे हम बोलते हैं पी नॉट बी अब ये जो थर्ड बीकर है थर्ड उसमें हमने ए और बी दोनों को मिक्स कर दिया है मतलब ये सॉल्यूशन बन गया अब बिकर ए के ऊपर सिर्फ ए e की वेपर थी बीकर बी के ऊपर सिर्फ बी की वेपर थी बट इस बीकर के ऊपर तो दोनों की वेपर है ए एज वेल एज बी बोथ ए और बी दोनों की वेपर है ये देखिए ऊपर हमने जो दिखा है वो ए और बी दोनों की वेपर दिखाई है अब तो प्रेशर भी दोनों लगाएंगे मतलब ये देखिए ये प्रेशर ऑफ ए और प्रेशर ऑफ बी इसे हम पी नॉट नहीं बोलेंगे ये पी ए और ये पी नॉट ए थोड़ा अलग होगा पी बी एंड पी नॉट बी डिफरेंट P नॉट B ये जो है ना वो जब B अकेला था तब का प्रेशर है और ये P B जब B सॉल्यूशन के अंदर है तब का प्रेशर है मतलब ये B अकेला नहीं है ना इसमें ए और बी दोनों मिक्स है और ये P नॉट ए जब ए अकेला था तब का प्रेशर है और ये P ए जब ये सॉल्यूशन में है तब का प्रेशर मतलब ये अकेले का प्रेशर है नॉट P नॉट ए एंड पी नॉट बी प्योर कंपाउंड के प्रेशर है और P ए और पी बी प्रेशर ऑफ ए एंड प्रेशर ऑफ बी बट दे आर नॉट प्योर दे आर मिक्सड तब का प्रेशर है सो पी नॉट ए पी नॉट बी पी एंड पी बी में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए नाउ ए सिचुएशन हो गई कि दोनों बीकर को हमने मिक्स कर दिया अब देखिए ए वाला जो बीकर है थर्ड बीकर बीकर सी उसमें दोनों है ए और बी अब देखिए मैंने नीचे खास लिखा है आपको ध्यान में रखना है कि बीकर सी के अंदर मोल फ्रैक्शन ए और बी के कितने हैं तो एक्स है एंड एक्स बी और ऊपर भी है ना ये वेपर फॉर्म में भी ए और बी दोनों है देखिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है तो ऊपर भी ए बी है तो ऊपर दोनों के मोल फ्रैक्शन कितने हैं तो वाई ए और वाई बी खास ध्यान रखना अंदर ए के मोल फ्रैक्शन एक्स है जितने हैं और के बी के एक्स बी कहाँ अंदर मतलब सॉल्यूशन के अंदर और बाहर जो मोल फ्रैक्शन है मतलब वेपर फेज में वो वाई एंड वाई बी मतलब यहाँ पे जो बी है वो वाई बी जीतना और अंदर मोल फ्रैक्शन जो है उसे हमने बोला एक्स बी मतलब एक्स ए एंड एक्स बी आर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इनसाइड द सॉल्यूशन एंड वाई ए एंड वाई बी आर दी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी आउटसाइड साइड द सॉल्यूशन मतलब अंदर जो सॉल्यूशन है सॉल्यूशन के बाहर जो है वेपर उसमें जो मोल फ्रैक्शन है वो अब डाल्टन सॉरी राहुल नाम के साइंटिस्ट ने एक स्टेटमेंट दिया कि जब सॉल्यूशन लिक्विड होगा तब और सॉल्यूशन और लिक्विड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन दी वेपर प्रेशर Of any liquid component, the vapor pressure of any liquid component is directly proportional to its mole fraction present in. सॉल्यूशन बस ये स्टेटमेंट को हमें खास समझना है लिक्विड प्लस लिक्विड वाला कोई भी सॉल्यूशन हो तो मान लो ये ऊपर जो सॉल्यूशन है वो वही है ना लिक्विड प्लस लिक्विड इसमें हमने ए और बी मिक्स किया ए वाला जो सॉल्यूशन है उसमें हमने ए और बी को मिक्स कर दिया है उसके अंदर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर मतलब वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड मतलब मान लो हम यहाँ पे बी की बात करें तो बी का वेपर प्रेशर पी बी कितना होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन मतलब बी के मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में उसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेपर प्रेशर ऑफ ए मतलब ए जो है वेपर प्रेशर ऑफ ए वो कितना होगा तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्रेजेंट इन सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन के अंदर ए के मोल फ्रैक्शन कितने हैं उसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो अब देखिए मैं आपको यहाँ पे इसका एक रिलेशन लिख देता हूँ मैथमेटिकली हम इसे क्या लिखेंगे प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन यही तो बोला उसने देखिए वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन बट सॉल्यूशन के बाहर के नहीं बाहर के मोल फ्रैक्शन को हमने वाई ए वाई भी बोला है और अंदर के मोल फ्रैक्शन को एक्स है एक्स एक भी वी आर टॉकिंग अबाउट द मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन उसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दैट इज राउल्ट लॉ। तो दो लिक्विड है ना हमारे पास मान लो कि लिक्विड ए है तो फॉर लिक्विड ए एंड लिक्विड बी हम सेपरेटली लिखे तो यही इक्वेशन को हम ऐसे लिख पाएंगे पी ए

अब आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये जो है पी नॉट ए और पी नॉट बी क्या है इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर टू तो अब ध्यान से देखिए ए जो है ना पी नॉट बी और पी नॉट ए ये जो है पी नॉट ए एंड पी नॉट बी ये क्या है तो जब ए अकेला था तब उसका वेपर प्रेशर कितना था पी नॉट ए और बी अकेला था तब पी नॉट बी तो ये P ए क्या है तो यहाँ पे ए का वेपर प्रेशर और P बी मतलब यहाँ पे प्रेशर अकेला था तब P नॉट ए था जब अंदर है तब P ए है तो दैट इज़ P नॉट है P नॉट ए एंड P नॉट बी आर वेपर प्रेशर इन ऑफ प्योर लिक्विड मतलब P नॉट ए और P नॉट बी क्या है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं P नॉट ए एंड P नॉट बी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी जब ए एंड बी अकेले थे तब के एंड पी ए एंड पी बी वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी बट अकेले नहीं है सॉल्यूशन में है तब के वेपर प्रेशर तो डाल्टन ने सॉरी राहुल ने क्या बोला कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन तो ये हमने लिख दिया पी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एक्स मोल फ्रैक्शन अब मोल फ्रैक्शन दोनों लिक्विड के लिए हमने लिए पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स भी प्रोपोर्शनलिटी रिमूव की तो ये पी नॉट ये आया अब देखिए सॉल्यूशन के ऊपर तो दोनों कंपोनेंट प्रेशर लगाते हैं ए और बी तो अब तो टोटल प्रेशर कितना लगता होगा तो अकॉर्डिंग टू डालस लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर डाल्टन एक पार्शियल प्रेशर का लो दिया था आपने इलेवेंथ में देखा था कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ़ इंडिविजुअल प्रेशर मतलब टोटल प्रेशर ओवर सॉल्यूशन सॉल्यूशन के ऊपर टोटल कितना प्रेशर लगता होगा पी टी कितना तो प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ भी दोनों मिला के प्रेशर लगा रहे हैं ना अब इक्वेशन वन और टू में से आप इसकी वैल्यू पुट करें देखिए फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू पी ए इज इक्वल टू क्या है देखिए ये वाला पी नॉट ए एक्स है एंड पी बी इज इक्वल टू क्या है पी नॉट बी एक्स बी तो टोटल प्रेशर सॉल्यूशन के ऊपर कितना लगता होगा पी नॉट ए एक्स है प्लस पी नॉट बी एक्स बी इट इज इक्वेशन नंबर थ्री एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर न्यूमेरिकल जब दोनों सौ कंपोनेंट लिक्विड हो गए वी आर टॉकिंग अबाउट अ सॉल्यूशन विच इज मेड अप ऑफ लिक्विड सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट। वेन बोथ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट आर लिक्विड देन दी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा तो प्रेशर ऑफ ए एंड प्रेशर ऑफ बी प्रेशर ऑफ ए और बी की वैल्यू यहाँ पे रख दी अब देखिए इसे थोड़ा हम सिंप्लीफाई करें तो P total is equal to P not a x a plus P not b x b. P total is equal to P not a 1 minus x b plus P not b x b. ये देखिए x a की जगह पे हमने क्या लिख दिया वन minus x b. ये वन minus x b क्यों लिखा क्योंकि आपको तो पता है कि सारे मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज वन होता है तो ये एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू वन तो हमने एक्स ए को सब्जेक्ट बना लिया तो वन माइनस एक्स बी हो गया एक्स ए इज इक्वल टू तो नाउ क्या होगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी इसे रीअरेंज कीजिए पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी और ये माइनस वाले को पीछे लिख देते माइनस पी नॉट ए एक्स है सॉरी माइनस पी नॉट ए एक्स बी है ये तो अब देखिए इसमें से एक्स बी एक्स बी कॉमन निकल रहा है तो इट बिकम्स पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए ये एक्स बी कॉमन निकल गया ना तो बाकी रह गया ये इट इज इक्वेशन नंबर फोर पी टोटल मतलब ए भी एक इक्वेशन हो गया आपको थर्ड इक्वेशन यूज़ नहीं करना है तो यू कैन यूज थर्ड इक्वेशन में क्या है देखिए एक्स ए और एक्स बी दोनों पता होने चाहिए यदि दोनों पता नहीं है तो आप ए भी लिख सकते हैं और सिमिलरली यदि आप ये एक्स माइनस बी मतलब ये, ये जो हमने लिखा ना वन पी नॉट ए ए वन माइनस एक्स बी ए उसकी जगह पे एक्स बी की जगह पे आप वन माइनस एक्स ए लिख सकते थे देखिए फिर से मैं इक्वेशन थ्री लिखता हूँ पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी वन माइनस एक्स ए अब इसकी वैल्यू पुट की बिकॉज एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू वन होता है तो यही इक्वेशन क्या हो जाएगा जो इक्वेशन फोर था उसका उल्टा पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स है तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं इट इज इक्वेशन नंबर फाइव मतलब आप किसी एक इक्वेशन को थ्री फोर और फाइव किसी एक इक्वेशन को आप यूज़ कर सकते हैं देखिए याद रखना इजी है ये बी देन ए देन बी देन ए और यहाँ पे यहाँ पे देखिए ए बी ए बी तो ये तीन इक्वेशन हो गए मतलब जब लिक्विड प्लस लिक्विड का सॉल्यूशन होगा तब वो सॉल्यूशन के ऊपर जो टोटल प्रेशर लगता होगा वो कितना होगा तो इक्वेशन थ्री जितना या तो फिर इक्वेशन फोर जितना या तो फिर इक्वेशन फाइव जितना ये हो गया राहुल फॉर लिक्विड प्लस लिक्विड अब देखिए इसका एक ग्राफ भी आपको दिया है ग्राफ यदि आप समझने की ट्राई करें तो ऐसा कुछ ग्राफ आपको दिया है कि यहाँ पे x a इज इक्वल टू वन है x b इज इक्वल टू ज़ीरो एक्स ए इज इक्वल टू ज़ीरो एक्स बी इज़ इक्वल टू वन फिर आपको ऐसा दिया है कि ये जो है वो इधर ग्राफ जा रहा है और यहाँ से ग्राफ इधर की ओर आ रहा है नीचे फिर ये ऐसे लिख दिया आपको देन इट इज़ पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी पी ए प्लस पी बी और दूसरा आपको यहाँ पे दिया है पी नॉट बी ये है पी नॉट ए ये है पी ए और ये है पी बी अब ध्यान से देखिए आपने मैं आपको मैंने ऊपर जो बिकर दिखाया है ना इट इज बिकर ए ऊपर तीन बीकर थे आप दोनों बीकर मतलब ये बीकर बी भी समझ लीजिए इट इज़ बीकर बी भी, मतलब इसमें लिक्विड ए है इसमें लिक्विड बी है ऊपर जो तीन फिगर दी थी उसे आप फिर से देखिए ये सिचुएशन आपको ख़ास याद रखना ही वाला सिचुएशन अब देखिए इसमें सिर्फ बी लिक्विड ये है और इसमें लिक्विड बी तो इसके ऊपर जो प्रेशर लगता होगा वो तो सिर्फ पी नॉट ए जितना होगा और यहाँ पे जो प्रेशर है वो पी नॉट बी मतलब देखिए इस बिकर में सिर्फ ये है बी ज़ीरो है देखिए बी ज़ीरो तो वो बिकर में तो प्रेशर कितना लगता होगा पी नॉट ए जितना और इसमें सिर्फ ए ज़ीरो है बी है सिर्फ बी तो इसके ऊपर जो प्रेशर लगता है वो पी नॉट बी जितना लगता है ये पी नॉट बी जितना वेपर प्रेशर है क्योंकि इसमें सिर्फ बी है अब देखिए बीच में हमने दोनों को मिक्स कर दिया तो ये टोटल प्रेशर लग गया कितना पी ए प्लस पी बी जितना आया समझ में अब देखिए जैसे जैसे हम राइट डिरशन में जा रहे हैं राइट साइड वैसे वैसे मूल फ्रैक्शन ऑफ ए वन से ज़ीरो की ओर हो रहे और बी के मूल फ्रैक्शन जीरो टू वन मतलब इंक्रीज़ हो रहे ए के मूल फ्रैक्शन डिक्रीज अब देखिए जैसे जैसे बी इंक्रीज हुआ वैसे वैसे लाइन ऊपर गई मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इंक्रीज हुआ मतलब बी को इंक्रीज़ करने से वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है उसका मतलब बी की वेपर ज्यादा बनती है उसका मतलब बी इज मोर वॉलेटाइल आप यहां से देख सकते हैं पी नॉट बी ज्यादा है और पी नॉट ए कम उसका मतलब ए की वेपर कम है तो ये लेस वॉलेटाइल है वॉलेटाइल लेस मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है बी इज मोर वॉलेट सॉरी ज्यादा है और बी इज मोर वॉलेटाइल मतलब वो जल्दी बॉयल हो जाता है उसकी वेपर ज्यादा है तो उसका बोलिंग पॉइंट कम है तो जिसका पी नॉट भी मतलब जिसका प्योर वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा वॉलेटल होगा क्लियर हो गया ग्राफ और अब दूसरी बात आपको इसमें खास ध्यान में रखना है एक जो मैं आपको यहाँ पे नॉट लिख के देता हूँ वो और इसी के बेस पे आप सब सॉल्व करेंगे सबसे पहले इस ग्राउंड लॉ में हमने क्या देखा तो सबसे पहला देखा और लिक्विड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन कोई भी लिक्विड सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी या तो फिर हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नाट बी माइनस पी नाट ए इंटू एक्स बी या तो फिर आप कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए ये तीन फॉर्मूला खास इम्पोर्टेंट है जो मैंने आपको आगे लिख के दिए है इक्वेशन नंबर थ्री इक्वेशन नंबर फोर इक्वेशन नंबर फाइव दे ऑल आर सेम फार्मूला इसे लेके हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे दूसरा आपको कोई पूछ ले कि किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर कितना होता है तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ सॉरी राउल्ट लो हमने ऊपर लिख दिया पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स एंड पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी इसमें क्या याद रखना है तो पी ए एंड पी बी वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन सॉल्यूशन और पी नॉट ए एंड पी नॉट बी क्या है वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी प्योर ए एंड बी प्योर लिक्विड जब अकेले होते तब एक्स ए एंड एक्स बी क्या है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन सॉल्यूशन solution के अंदर ए और बी उसके मोल फ्रैक्शन कितने हैं मतलब ये जो बीकर है उसमें इसमें अंदर ये और बी कितना है अब मान लो आपको ऐसा पूछे कि बाहर ये और बी कितना है ये देखिए वेपर में वेपर में भी तो ये और बी है मान लो उसके मोल फ्रैक्शन उसे हमने क्या सिंबल दिए वाई है एंड वाई बी तो वो कैसे मिलेगा तो आप याद करिए इलेवेंथ का स्टेट्स ऑफ मैटर वाला चैप्टर आपने उसमें लिखा था कि फॉर एनी गैशियस कंपोनेंट पार्शियल प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन आपने वो उसमें लिखा था इलेवेंथ में कि किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर मतलब आपने ऐसे लिखा था पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन गैस के लिए ये सिर्फ किसके लिए है गैस और हमें बाहर मतलब ए और बी वेपर फेज में कितने हैं गैस बाहर कितने है? वो फाइन करना है तो अब इसे अप्लाई कीजिए प्रेशर ऑफ वे इज इक्वल टू पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस मतलब ए के मोल फ्रैक्शन ए बाहर ये कितना है यहाँ पे यहाँ पे ये कितना है बाहर की साइड उसे हम लिखेंगे तो इसे तो हमने वाई ए और वाई बी बोला है ना एक्स है तो अंदर है तो इट इज़ वाई ए और पी बी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना होगा तो पी टोटल इंटू वाई बी और ए जो है ना इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बॉड एंड ए वाई ए एंड वाई बी आर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज तो ये फॉर्मूला मीन्स ये तीनों नॉट आप खास याद कर लीजिए सॉल्यूशन का प्रेशर इस तीन फॉर्मूला से मिलेगा पार्शियल प्रेशर यहाँ से मिलेगा या तो फिर मोल फ्रैक्शन अंदर कितने हैं वो यहाँ से मिल जाएंगे और बाहर मोल फ्रैक्शन कितने है वो यहां से खास याद रखना बाहर के ही पूछते हैं कई बार एग्जाम में तो ये फाइन करना है क्लियर होगा इट इज द राउल्ट लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड वॉलेटाइल सॉल्वेंट मतलब जब लिक्विड प्लस लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन होता है तब आगे हम देखेंगे जब सॉल्यूशन सॉल्व sol क्िड प्लस लिक्विड होगा तब क्या होगा थैंक यू